हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का पार्ट नंबर जो 11 है वो पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, W एनर्जी पावर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में। व्हाट इज फंक्शन, कार्य क्या है। कार्य हम कहते हैं यदि बल का उपयोग किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था करने में किया गया हो उसे हम कहते हैं कार्य। अर्थात कोई वस्तु विराम अवस्था में है, उस पर कोई बल लगाया जाता है तो वो वस्तु क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कार्य। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कार्य की परिभाषा देखें तो हमारी होगी कार्य की परिभाषा बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। अर्थात कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये कार्य है बल गुणा विस्थापन। कार्य का मतलब W, बल गुणा विस्थापन को हम S से व्यक्त करते हैं। ये हो गया हमारा W बराबर F गुणा S। इस प्रकार हमारे कार्य की परिभाषा आ गई, कार्य का सूत्र आ गया। अब हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु है m द्रव्यमान की, उस पर बल लगाया जाता है F और वह S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अर्थात कि अगर कार्य बल की दिशा में हो रहा है, अगर हम बल लगा रहे हैं और उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है वस्तु में, जैसे ये वस्तु में बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं, वस्तु भी इसी दिशा में गतिशील हो रही है, तो ये इस प्रकार का जो कार्य होगा वो तो क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों धनात्मक है तो कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि हम कोई वस्तु है उस पर हम बल लगाते हैं इधर, लेकिन उसमें विस्थापन हो रहा है इधर, तो उसमें दोनों में से विस्थापन या बल में से कोई एक जो है उसको हम माइनस में लेते हैं, जैसे माइनस बल ले लिया, विस्थापन को प्लस में ले लिया, तो किया गया कार्य किस में आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, डॉट माइनस में आ जाएगा, एफ डॉट एस कह सकते हैं। अगर मान लीजिए बल क्षैतिज दिशा में लग रहा है, ऐसे क्षैतिज दिशा में लग रहा है, तो उसको हम एफ डॉट एस से कहते हैं, एफ डॉट एस, डॉट लगाते हैं सूत्र में। अगर क्षैतिज दिशा में बल लगता है और अगर लंबवत बल लगता है, लंबवत बल लगता है ऐसे वस्तु के ऊपर, तो उसमें करते हैं W बराबर F गुणा S, इसमें गुणा का चिन्ह आता है। इस प्रकार हमारा ये जो कार्य का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। कार्य का जो सूत्र होगा, सूत्र तो ये हो गया बल गुणा विस्थापन। अब इसका जो हम मात्रक देंगे F डॉट S गुणा जो सूत्र आया हमारा W का F डॉट S, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। अर्थात कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। इसको हम जूल भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर को हम जूल भी कह सकते हैं। अर्थात कार्य का मात्रक जो हो जाता है वो हमारा जूल होता है। अगर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन नहीं आता है, बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन नहीं आता है, तो किया गया कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान लो बल का मान 2 न्यूटन और कार्य का मान विस्थापन का मान 0, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। दोनों में से अगर कोई एक 0 है तो जो कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार कार्य का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जैसे एक उदाहरण हम इसमें बात करते हैं, जैसे यदि सफर में जाते समय आप सफर में जा रहे हैं और 12 किलो का कोई थैला है, वो थैला धरती से उठा करके, ये धरती है, इससे उठा करके हम 1.5 मीटर ऊपर यहाँ पर ले जाते हैं उस थैले को, 12 किलो थैले को अपने पीठ पर रखते हैं, तो किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो थैले का जो द्रव्यमान है वो 12 kg है और विस्थापन जो है ऊंचाई है h, s बराबर h, वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। इसके अलावा जो W होगा हमारा F डॉट S, F और S के बराबर। अब F हमारे पास है नहीं, F हमारे पास है नहीं, H तो है, S H बराबर होगा, लेकिन F हमारे पास है नहीं,
तो F का मान जो होता है वो द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो F की जगह हम एम जी रख देते हैं, तो W बराबर हमारा सूत्र क्या बन गया, एम जी, एस की जगह एच रख देते हैं तो एम जी एच बन गया। एम का मान हमारे पास 12 है, जी का मान फिक्स होता है वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन हम उसको 10 मान लेते हैं, तो 10 और एच का मान हो गया 1.5, इनको गुणा कर लेते हैं तो जो मान आ जाता है वो 180 जूल आ जाता है। इस प्रकार ये जो कार्य किया गया है वो 180 जूल के मान के बराबर आ जाता है। इस प्रकार हमारा कार्य की परिभाषा, कार्य का सूत्र और ऋणात्मक धनात्मक कार्य किस प्रकार से होता है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता, कार्य वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है जिसके कारण कई पेड़ उखड़ जाते हैं, या किसी लकड़ी पर हथौड़ी से कील ठोकते हैं, या कोई गतिमान वस्तु होती है, पवन चक्की चलती है, इसमें सभी सभी कार्यों में क्या होती है, ऊर्जा निहित होती है। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा वस्तु में जो विद्यमान ऊर्जा का मान है वो उस वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य के बराबर होती है। जो भी ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। ऊर्जा को हम रूपांतरित कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, या हम ये कहें कि जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती है, ना ही उसे बनाया जा सकता है। ऊर्जा का जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी ऊर्जा का ना तो रूपांतरण के ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदला जरूर जा सकता है। क्योंकि जितनी क्षमता होती है उतना ही कार्य होगा, अर्थात कार्य और ऊर्जा बराबर होती है, तो ऊर्जा का मात्रक भी वही होगा जो मात्रक कार्य का था, अर्थात कार्य का मात्रक जूल तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल। अब ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सब। और जो सूर्य होता है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, सूर्य जो होता है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वार भाटा का आना, नदियों का बहाव होना, तेज हवाओं का चलना, इससे हमारे को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त मिलती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे इसके प्रकार पढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण, गति के कारण या उस वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, दोनों के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊष्मा के कारण वस्तु को जो ऊष्मा होती है, वस्तु में जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा के कारण सूक्ष्म जो कण होते हैं वो गतिमान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर जाते हैं, उसको हम ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि घर में आग की चिमनी, आग को चिमनी जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई वस्तु एक स्तर से गर्म होकर के दूसरे स्तर तक पहुंचती है, जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उसका स्थानांतरण होता है, पहले एक हिस्सा गर्म होगा फिर धीरे धीरे उसका आगे वाला हिस्सा गर्म होता जाएगा। तीसरा जो प्रकार है वो है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाएं जो होती है उनके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बैटरी, बैटरी के द्वारा उसमें रासायनिक क्रिया होती है, भोजन उसमें रासायनिक क्रिया होता है, कोयला जलना उसमें रासायनिक क्रिया होती है, रसोई गैस उसमें रासायनिक क्रिया होती है, उनके कारण हमारे को क्या मिलती है, रासायनिक ऊर्जा का मात्रण होता है। चौथा जो है वो है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेशों द्वारा, विद्युत के आवेश जो है दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश, उन दोनों आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। हम जैसे हमारे घरों में बिजली की जो भी युक्तियां उपयोग में लेते हैं, जो भी उपकरण हम उपयोग में लेते हैं वो विद्युत ऊर्जा से ही चलती है। इसके अलावा पांचवा जो प्रकार है वो है गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उस बल के कारण जो वस्तुएं पृथ्वी पृथ्वी की ओर खींची आती है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में गुरुत्वाकर्षण के कारण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। इसी ऊर्जा के कारण झरनों, नदियों या जो पानी होता है वो ऊपर से नीचे की ओर ढलान की ओर ही आता है। इसके अलावा एक होती है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, जो नाभिकीय परमाणु वगैरह जो होते हैं, नाभिकीय परमाणुओं का टूटना या संलयन या जोड़ना, उसके कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। इस ऊर्जा के दो रूप, जो सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है, इसी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है उनके दो मुख्य रूप होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा
और एक होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनके दो मुख्य रूप होते हैं। इस अध्याय में हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु के जो सबसे पहले हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी वस्तु में जो गति होती है या उसकी जो स्थिति होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, जिससे वह वस्तु ग्रहण करती है या कार्य करती है यांत्रिक ऊर्जा के कारण। उदाहरण के लिए जब हम एक हथौड़े को एक कील पर प्रहार करते हैं तो कील जो है गुटके के अंदर चली जाती है। तो हथौड़े में जो स्थितिज ऊर्जा है उसके कारण हथौड़ा गति करता है, और वो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा में, और वो गतिज ऊर्जा कील को मिलती है जिसके कारण वो हथौड़े के अंदर चली जाती है। इसी प्रकार जैसे एक तीर कमान है, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण तीर कमान, जिसमें तीर को हम कमान में डाल करके खींचते हैं तो स्थिति के कारण वो खिंचता है, वो तीर में स्थिति जुड़ जाती है, स्थिति जुड़ जाने के कारण वो गति गति में कन्वर्ट होगा तो तीर कमान से छूट करके जाएगा। इसी प्रकार जो खिलौना बंदूक होती है, पिस्तौल होती है, उसका डॉट जो आगे उसमें अंदर डालते हैं, उसकी जो स्प्रिंग खिंचती है तो उसमें स्थिति जुड़ जाती है, और उसको जैसे ही छोड़ते हैं वो स्थिति जुड़ जैसे गति जुड़ा में कन्वर्ट होता है और डॉट बाहर निकल करके चला जाता है। इस प्रकार यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दोनों ऊर्जाओं के संयोग से कार्य करती है, दोनों ऊर्जाओं के संयोग से संयुक्त होकर के मिल करके कार्य करती है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वस्तुओं में गति के कारण, वस्तुओं में जो गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल है, नदी में बहता हुआ पानी है, उड़ता हुआ हवाई जहाज है, इसके अलावा चलती हुई कार है, रेलगाड़ी है, पक्षी है, तेज हवा है, आदि में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो गतिज ऊर्जा के कारण ही होती है। अब गतिज ऊर्जा के कारण जो हमारा सूत्र है, गतिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, उसका जो सूत्र होता है वो हम व्युत्पन्न करते हैं। कैसे हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, कैसे हम उसको ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो यू वेग से गतिशील है, उस पर जब कोई बल लगाया जाता है एफ, तो वह एस दूरी तक विस्थापित हो जाती है और वेग बदल करके भी हो जाता है। इतना हमको लिखना है कि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु यू वेग से गतिशील है, जब उस पर एफ बल लगाया जाता है तो गति की दिशा में लगाया जाता है तो एस दूरी तक विस्थापित हो जाती है और वेग बदल करके भी हो जाता है। वेग में वेग बदलने के कारण जो उसमें त्वरण का मान होता है, त्वरण जो उत्पन्न हो जाता है, उस त्वरण का मान ए हो जाता है। त्वरण का मान ए से ले रहे हैं, त्वरण का उत्पन्न हो जाता है। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तीन समीकरण होते हैं, गति के तीन समीकरण हैं v बराबर यू प्लस ए टी, एक एक तो ये हो गया, एक है u t बराबर एक बटा दो, सॉरी ये गलत है, s बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, और एक है टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये गति के तीन समीकरण हैं जो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तीनों समीकरण कैसे आते हैं वो भी हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो इन तीन समीकरण में हम इतना करने के बाद यह लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या कहता है कि जो तीसरा समीकरण है ये 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इससे हम a का मान निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए इस 2 का और s का पक्षांतरण कर देते हैं, तो क्या होगा, a बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s, ये हो जाता है, ये हो गया एक समीकरण है ना। अब गति का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ये गति के समीकरण अलग है, न्यूटन की गति के जो द्वितीय नियम है वो है कि वस्तु पर लगाया गया जो बल है, गति का द्वितीय नियम न्यूटन का, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, एफ बराबर एम ए, जो लगाया गया बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, एफ बराबर एम ए होता है। ये समीकरण नंबर एक है, ये समीकरण नंबर दो डाल दिया। तो अब समीकरण नंबर दो में जो ए है उसकी जगह हम समीकरण एक का मान, ये वाला जो मान है वो रख देते हैं, तो क्या आ जाता है, एफ बराबर एम ए की जगह, इस ए की जगह ये वाला मान हम रख देते हैं, तो ये हमने मान रख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा टू एस, ये मान हमने रख दिया, इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद में जो ये तो हो गया एफ बराबर एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा टू एस, अब क्या करते हैं
कि इस जो एस है इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं, इधर ले जाते हैं तो ये अभिभाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, एफ डॉट एस हो जाएगा। और ये दो है इसे एम के आगे लेते हैं तो एक बटा दो एम, अंदर क्या बच गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बच गया। चूंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एफ डॉट एस ये डब्ल्यू के बराबर होता है एफ डॉट एस, तो इस एफ डॉट एस की जगह हम क्या रख देते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारा कार्य आ जाता है। क्योंकि किया गया जो कार्य होता है, किया गया जो कार्य होता है वो वस्तु में ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर ई के, गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ई के, जो वस्तु में किया गया कार्य है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो डब्ल्यू बराबर ई के हमने कर दिया, इस डब्ल्यू की जगह ई के रख दो तो ई के बराबर क्या हो गया एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र हमारा आ जाता है। अब इसके द्वारा हम एक दूसरा सूत्र हम निकाल सकते हैं, यदि मान लीजिए यू का मान जीरो हो, यू का मान जीरो हो, अर्थात अगर वस्तु जो यू का मान है प्रारंभिक वेग, यू का मतलब है प्रारंभिक वेग और वी का मतलब है अंतिम वेग, तो यदि वस्तु सर्वप्रथम कैसी हो विराम अवस्था में हो, सबसे पहले क्या हो विराम अवस्था में हो, बल लगाने पर गतिशील हो रही हो, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया शून्य, क्योंकि वो विराम अवस्था में है, तो यू की जगह हम शून्य रख देते हैं, तो सूत्र क्या बन जाता है ई के बराबर एक बटा दो एम, यू की जगह हम शून्य रख देंगे, शून्य का विस्तार शून्य, तो ये क्या बन गया एक बटा दो एम वी स्क्वायर, ये हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र निकल के आता है। क्लियर हो गया, इस प्रकार हम ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके द्वारा हम कुछ आंकिक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हमारा गति के तृतीय समीकरण से, और न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है उसके द्वारा हमारा ये निकल के आता है। अब हम इसके द्वारा कुछ जो सूत्र है वो निकालने की कोशिश करते हैं, जो आंकी क्वेश्चन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। सूत्र हमारे दो हुए, एक तो हुआ e के बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक हुआ e के बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर। अगर एक वेग दे रखा है तो ये सूत्र यूज करेंगे, दो वेग दे रखे हैं तो ये सूत्र यूज करेंगे। जैसे एक कोई गतिमान वस्तु है उसमें गतिज ऊर्जा का मान, उसमें एक क्वेश्चन हम करते हैं गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है, गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है 2500 जूल, गतिज ऊर्जा का मान ये दे रखा है। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 50 केजी दे रखा है, तो उसका वेग हमको ज्ञात करना है, वेग का मतलब v, द्रव्यमान का मतलब m दे रखा है, और गतिज ऊर्जा का मतलब है e के दे रखा है, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि सूत्र लगाएंगे गतिज ऊर्जा के सूत्र से, तो सूत्र क्या लगाएंगे e के बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर। चूंकि मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किलोग्राम है, तो मात्रक चेंज करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। e के का मान है वो 2500 जूल है, एक बटा दो एम का मान हमारे पास दे रखा है 50, और वी स्क्वायर ऐसा का ऐसा रख देंगे, इसको काट दिए ये हो गया 25। इसका पक्षांतरण करेंगे, 25 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2500 बटे 25, 25 से 25 कट गया अर्थात 100 आ गया ये, और वी स्क्वायर बराबर 100 है तो वी का मतलब ये 100 का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा अर्थात 10 क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय माध्यम मीटर प्रति सेकंड है, तो इस प्रकार ये वेग हमारे पास आ गया। चूंकि इस पे स्क्वायर था इसको हमने क्या कर दिया रूट चढ़ा दिया इसके ऊपर, तो स्क्वायर को हटाने के लिए इस पर रूट कर दिया, 10 का रूट अंडर रूट आता है वो 100 का अंडर रूट है वो 10 आता है, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है, जैसे एक क्वेश्चन है एक बंदूक से दागी गई गोली कितने वेग से चल रही है 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, वेग है गोली का वेग जो है वो दे रखा है 500 मीटर प्रति सेकंड दे रखे हैं। यदि गोली का द्रव्यमान जो दे रखा है, गोली का द्रव्यमान एम का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 100 ग्राम, गोली का द्रव्यमान है 100 ग्राम, 100 ग्राम दे रखा है, इसकी गतिज ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है, ये ई के का मान ज्ञात करना, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड वेग का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है और द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि इसमें दे रखा है ग्राम, तो उसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसमें किसका भाग लगा देंगे
हजार का भाग लगाएं, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अर्थात 0.1 kg हो गया। अब हमारा ई के का सूत्र क्या बनता है, 1/2 mv2। ई के हमको ज्ञात करना है, 1/2 है, एम का मान दे रखा है 0.1 किलोग्राम, वी का मान है 500, तो 500 का स्क्वायर करेंगे तो 500 × 500। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 कर देते हैं, ऊपर क्या बच जाता है, 1 ही बच जाता है, 1/10 हो गया, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, तो ये तो हो गया 25000, और ये हो गया 20। इसको और इसको गुणा कर लिया, नीचे वाले को ऊपर वाले को, ऊपर वाले को गुणा कर लिया 2500, तो 0 से 0 कट गए। अब 2 का भाग हम लगा देते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 12500 जूल, ये आ जाता है हमारा उत्तर, 12500 जूल। ये जूल में आ गया, अगर किलो जूल में करें करना चाहें तो इसमें 1000 का भाग लगा देंगे तो 12.5 किलो जूल आ गया, क्योंकि 1 किलो जूल में क्या होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। इससे संबंधित ही एक तीसरा क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का द्रव्यमान दे रखा है, 100 किलोग्राम, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, यानी उसका प्रारंभिक वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग u का मान दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग v, वो दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जाता है, तो कितना कार्य करना होगा, w अर्थात e के कार्य और ऊर्जा बराबर है, तो w ज्ञात कर लो या ऊर्जा ज्ञात कर लो, सूत्र वही लगेगा। तो इसमें देखो, द्रव्यमान का मात्र किलोग्राम दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय मात्र का, इनका अंतरराष्ट्रीय मात्र होता है मीटर प्रति सेकंड, जबकि दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनको मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना पड़ेगा। तो 20 को मीटर प्रति सेकंड में बदले तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, और 40 है इसको 5/18 से गुणा कर दो। हमने 5/18 से गुणा क्यों किया, क्योंकि जैसे मान लीजिए 20 है और ऊपर है किलोमीटर, और प्रति का मतलब है बटा, और नीचे दे रखा है घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, चेंज किस में करना है, मीटर में, तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने हुए, 1000, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए उसको किससे गुणा करेंगे, 3600 से, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 8 तो 2 बजे 10, और ये 18, 2 से 8 पर, तो ये 5/18 आ गया, तो मतलब हमको इससे 5/18 से गुणा करना है, तो ये हो गया 100/18 अर्थात 50/9, 50/9 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो गया 200/18 अर्थात 100/9 का आदेश को, तो मीटर प्रति सेकंड, एक वेग तो हो गया वो 50/9, एक हो गया 100/9। अब हम सूत्र लगाएंगे कार्य का या डब्ल्यू का, कोई भी लगा लो सूत्र वही लगेगा, 1/2 mv2 - u2, ये सूत्र लगाएंगे क्योंकि इसमें दो वेग दे रखे हैं, इसलिए तो 1/2 m का मान है 100, v2 का मान कितना है, v का मान कितना है 100/9, तो 100/9 का स्क्वायर माइनस u का कितना है 50/9, तो 50/9 का स्क्वायर, ये हमारा हल हो गया, इसको काट दिया, 1/2 को 50 कॉल किया तो ये तो हो गया 50, अंदर क्या हो गया, अंदर हमारे पास संख्या आ गई 1, 2, 3, 4, इनका स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे 10 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 50 अभी इनका क्या कर ले, लघुत्तम लेंगे 81, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 माइनस 2500 81 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 2500 कटाएंगे, 10000 में से 2500 कटाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 7500 गुणा हो गया, 7500 ऊपर बच गया बटे 81, इसको हल कर लेंगे, 3 से काट देंगे इसको, 3 से काट दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास, संख्या आ गई 25 × 125, 1, 1, 2, 50 को इसको गुणा कर दिया तो ये हो गया 125000, 125000/27। अब भाग लगा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा भाग लगाने पर 4000, कितना आ जाएगा भाग लगाने पर, भाग लगा के आप देख लीजिए 125000/27, 4629 के समथिंग आ रहा है, 4629, ये आ गया हमारा जूल,
ये उत्तर हमारा आ जाता है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार हमारे गतिज ऊर्जा के जो दो सूत्र हैं, एक बटा दो एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाला और एक बटा दो एम वी स्क्वायर वाला, ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया है और इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसका भी हमको सूत्र व्युत्पन्न करना है और उससे संबंधित क्वेश्चन हमको हल करना है, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा वाला जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमें गतिज ऊर्जा का सूत्र देखना है, उसको दोबारा निकालना है, उससे संबंधना है और उससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न होंगे उसको भी हमको क्लियर करना है। इससे संबंधित जो भी कोई समस्या आए उसको हमको बताना है जरूर नेक्स्ट वीडियो तक। तो हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल डालेंगे। धन्यवाद।